हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी जब भी रहेगी उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो मैं सिखाऊंगा। आप अगर मान लीजिए मेरे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है डी डी डैश, मतलब आपको पता है डेल बाय डेल एक्स इज डिनोटेड एज डी, डेल बाय डेल वाई इज डी डैश। ठीक है, तो मतलब ये अगर देखूं तो दिस इज जेड और दिस इज ये हो जाएगा। इसको अगर देखूं तो ऐसा कोई फंक्शन है मेरे पास और सामने कोई एक फंक्शन है एक्स वाई का, मान लीजिए कुछ इस तरह की इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, जो भी इसका कभी भी सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो उसमें सबसे पहले एक मस्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ आप निकालते हैं, फिर आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है। बट जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो आपका तभी आता है जब इक्वल्स टू में कोई आपका फंक्शन है। अगर यहीं पर इसके सेम में रख के इक्वल टू जीरो रखता तो आपको सिर्फ सी एफ निकालना था, पीआई की जरूरत नहीं पड़ती। सी एफ जो है मैंने प्रॉपर होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस में भी रिड्यूसिबल इरेड्यूसिबल के लिए पूरा आपको सीरीज में शुरू से कराता आया हूं, वो वीडियो आप प्लीज देख लें। क्योंकि यहां पर जब मैं आपको पीआई निकालने का मेरा मेन फोकस है तो सीएफ पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको बस बता दूंगा कि ये आया है, तो उस चीज को आप देख लें। सो ये जो पूरा टॉपिक है सॉल्यूशन आपका, ये पूरा जो है बहुत लेंथी टॉपिक रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसलिए मैंने इसको अलग रख के एक बार में पूरा पढ़ाया था, अब पीआई पढ़ा रहा हूं। आप बुक्स में देखेंगे तो इस तरह से आपको नहीं मिलेगा, बट आप ये मेरे मेथड से पूरी सीरीज देखते हुए समझते चलेंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं हो सकता जो आप ना कर पाए। और बुक में से अगर आप पढ़ेंगे जैसे बुक में ट्रेडिशनल तरीके से दे रखा है तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। मैंने क्या किया है मैं बताता हूं, मैंने आपके जो पीआई है उसको रूल्स में तोड़ा हुआ है, रूल वन रूल टू रूल थ्री रूल फोर, इसी तरह आपके छह रूल मैंने अलग रखे हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन का अलग कुछ नहीं आ सकता, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप देख के कि यहां पर क्या एंटिटी दे रखी है और रूल चेक करके, तो आप बड़े ही इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। वैसे आप बुक से पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी, नहीं समझ आएगा, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप पूरा सीरीज को फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियोस के पुराने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के और आगे के लिंक्स मिल जाएंगे। हर एक रूल के लिए अलग 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 वीडियो रहेंगे, मैं बताता जाऊंगा अगले में क्या है वीडियो का, अगर न्यूमेरिकल है तो वो है या क्या है, मैं आपको सब बताता जाऊंगा। और जो भी मैं आपको करा रहा हूं उसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारी ऐप पर स्टडी बडी एक्सेल टू एजुकेशन आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर आप फोर्थ सेम में जाकर देख सकते हैं और पूरे नोट्स आप वहां पर देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो रेफरेंस के लिए और भी क्वेश्चन डाले जाएंगे, जितने यहां करा रहा हूं उससे कई अधिक आपको वहां क्वेश्चन बैंक एक प्रॉपर मिल जाएगा। बट सीखिए यहां पर रूल वन रूल टू करके मैं आपको पूरा पूरा कराऊंगा। यहां पर मैं स्टार्ट करने वाला हूं रूल वन। रूल वन में क्या है मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए कभी इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, ई टू द पावर, अगर मेरे यहां पर फंक्शन ऑफ डी डी डैश के सामने जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है इट इज ऑफ द फॉर्म ई रेस टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, तब हम पी आई कैसे निकालेंगे। तो ये पहला रूल है, यहां से मैं आपको सिखाना चालू कर रहा हूं। सो माय फर्स्ट रूल स्टेट्स दैट इफ अ फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश इज इक्वल टू, मतलब मेरे पास एक मान लीजिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिसमें ये जो फंक्शन है दिस इज ई रेस टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, अगर इस तरह से दिया हुआ है इक्वल टू में, तो आपको पी आई कैसे निकालना है। तो पी आई का आपका जो जनरल रहता है वो रहता है वन बाय एफ, ये जो चीज है इसको आप z हटा दीजिएगा, वन बाय में रख लीजिए, मतलब डेनोमिनेटर में इसको रख लीजिए, e रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। अब आपको करना क्या है, जहां जहां d है तो d आपका रिप्लेस हो जाएगा a से और d डैश आपका रिप्लेस हो जाएगा b से, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है x और y के साथ। अगर देखूं इसको तो ये बन जाएगा a b, और क्योंकि इसमें कांस्टेंट डल जाएंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगा और जो वैल्यू आपका आएगा दैट इज योर
पीआई मतलब ये आपका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह है। बट अब इसमें एक केस होता है कि यहां पर जब मैं वैल्यूज डालूंगा तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। मान लीजिए मैंने ए और बी वैल्यू डाल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जीरो हो जाए। अगर जीरो हो जाए तो इसका मतलब अभी मेरा ये केस फेल हो गया, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो वो क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। अगर ये होता है तो आपका पी आई आप निकालेंगे, ये आपका आएगा डी प्लस ए तो आप ए और बी को रिप्लेस करने की जगह क्या करेंगे, आप बस इसमें ऐड करेंगे और फंक्शन में डाल देंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे, डिफरेंशिएशन जो भी आपका रहेगा उसको करके आप कर लेंगे। अभी मैं क्या करूंगा, आपको एक क्वेश्चन इस चीज पे समझाऊंगा, देन उसके बाद आपको दो क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट आती है, फंसाया जाता है बच्चों को इस चीज पे कि यहां पर वो जीरो ही करवाएगा जब भी क्वेश्चन देगा, तो आपको यहां पर ही लाएगा वो। तो यहां पर अगर केस बनता है तो किस तरह से होता है, कभी कभार ऐसा होगा कि आपने ये डाल दिया, ये डालने के बाद भी जीरो आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे। तो वो केस के लिए भी मैंने सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स रखे हैं ताकि आपको परफेक्टली पूरा कॉन्सेप्ट समझा सकूं। अभी मैं ये वाला समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में दो क्वेश्चन रहेंगे जो इसको और पूरे कॉन्सेप्ट को ही हाईलाइट करेंगे। सो अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 2dd प्लस d² z इज इक्वल टू e^x + 2y। अब ये मुझे दिख रहा है क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है उसी फॉर्म का है जो मैंने आपको बताई थी रूल में। तो जो सॉल्यूशन है मेरा इज इक्वल टू CF प्लस PI रहेगा, क्योंकि यहां पर इक्वल टू में जीरो नहीं है। जब भी मैंने आपको CF सिखाया था पीछे, वो इक्वल टू जीरो रख के ही सिखाया था, बट यहां पर कुछ है तो मेरे को PI भी निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको CF भी बता रहा हूं कि CF कैसे निकलेगा। आप CF निकालते हैं, पहले CF निकालेंगे तो मैं देख रहा हूं उसके लिए मुझे सिर्फ ये चीज की जरूरत पड़ती है। अब ये देख रहा हूं कि मैं ये होमोजेनियस है, क्योंकि यहां पर भी टू है, यहां पर भी ऑर्डर टू है, यहां पर भी ऑर्डर टू है, होमोजेनियस होती है। तो मैं क्या करता हूं, डी को इक्वल टू एम पुट करता हूं, डी डैश को इक्वल टू 1 पुट करता हूं और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाता था। ये पूरा मेथड मैंने डेप्थ में आपको सब समझाए हुए हैं पीछे वीडियोस में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर इनको देख लीजिएगा। पुट कर दिए, ये आ गया, इसका मतलब m माइनस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब m इज इक्वल टू 1 है और 1 है, 2 1 है मेरे पास। तो मेरा CF जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू फाइ वन वाई प्लस एक्स, क्योंकि वाई प्लस एम एक्स होता है, एम मेरे पास पॉजिटिव 1 है और क्योंकि रिपीट हो रहा है ये, तो एक्स फाइ टू वाई प्लस एक्स। ये सब मेथड मैंने आपको पीछे कराया था, इसलिए आप कभी कमेंट में करके ये मत कहना कि मैंने ये नहीं सिखाया, पीछे सिखाया है वहां सीख लेना। अब नेक्स्ट मेरा जो मेन टारगेट है इस वीडियो का, पीआई आपको दिखाना कि पीआई कैसे सॉल्व होगा। अब इसका पीआई अगर देखूं, पीआई अब जो मेरा मेथड था, इट स्टेटेड कि मेरे पास ये पूरा है फैक्टर, इसको मैं डिनोमिनेटर में रख दूंगा सबसे पहले, e^x + 2y। अब मैंने आपको बताया था e(ax+by) था और d को मुझे रिप्लेस करना था a से, यहां पर a है 1, और d डैश को रिप्लेस करना था b से जो कि है यहां पर 2। तो ये अगर मैं करता हूं तो यहां पर मेरा आ जाएगा
वन स्क्वायर माइनस टू टू प्लस यहां पर आपका टू का स्क्वायर ई रेस टू द पावर, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो अब ये देखोगे तो आप 1/1 ही रह जाएगा, ये मेरा आ जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स 2y, ये मेरा पी आई आ गया। तो फाइनल सॉल्यूशन है उसको मैं लिख सकता हूं अब। सो माय फाइनल सॉल्यूशन इज जेड इज इक्वल टू 5y प्लस एक्स 5y प्लस एक्स प्लस ई रेस टू द पावर प्लस 2y, ये मेरा आंसर आ गया। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन अगर बिल्कुल सिंपल रहेगा तो आपका हो जाएगा, बट क्या हो सकता है कि ये चीज आपकी 1/, जब आप पुट करेंगे वैल्यूज इस तरह से तो 0 हो जाए। तो ऐसे केसेस के लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो आपका बनाया जिसमें आप और न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस होंगे और ऐसे केस को टैकल करना भी आपको आएगा। सो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज गिव इट अ थम्स अप, लाइक जरूर कर देना है इसको, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।